देखिए, हम लोग दक्षता 2 पढ़ेंगे आज। इसमें के कुछ प्रश्न हम बता चुके हैं। 7वां है कि वह छोटी से छोटी संख्या बता दो जिससे 97, 92 में गुणा कर दें तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक ना? इसमें किसका गुणा कर दें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए, कोई भी ऐसी संख्या है, यदि हमसे पूछता है कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए तो सबसे पहले उसका गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड में उसके सभी गुणनखंडों का जोड़ा बनाएंगे। अगर जोड़ा बन जाता है तब तो पूर्ण वर्ग है, नहीं बनता है तो उतनी जो संख्या है उसका गुणा कर देना। जैसे देखो, 97, 92 है, कह रहा है कि इसमें किसका गुणा कर दें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो गुणनफल पूर्ण वर्ग तब होगा जब इसके गुणनखंडों का जोड़ा बने, जिसका नहीं बनेगा उसी का गुणा कर देना। लास्ट में 2 है, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 9 18, 2 6 22, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 9 18, 2 6 22। 2 से करो, 2 2 9 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 9 4, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 9 4, ठीक है ना? 2 से देखो, 2 3 आई 6। अब 2 अंक लेंगे तो 0 बढ़ा देंगे यहाँ। 2 अंक लेंगे ना, 1 में जाएगी नहीं, 2 6 12। 2 से करिए, 2 1 कम 2, 3 से कटाओ, 3 1 कम 3, 3 से 17। देख लो, इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया। 17 का नहीं ना बनेगा, यहाँ लिखेंगे इसके आंसर में कि 17 का जोड़ा नहीं बनता है, बनता है, इसलिए 97, 92 में 17 से गुणा करेंगे, 17 से गुणा करेंगे तो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है ना? तो जहाँ भी ऐसे प्रश्न रहेंगे कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसे 97, 92 में गुणा कर दें गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो सबसे पहले 97, 92 का गुणनखंड बनेंगे। जिस अंक का जोड़ा नहीं बनेगा उसी संख्या को गुणा कर देंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए 8 देखें, प्रश्न संख्या क्या है। प्रश्न संख्या 8 देखो, आठ है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 36 75 में भाग दें तो भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। कह रहा वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिससे 36 75 में भाग दे दें तो भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी गुणनखंड करिए, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसी का भाग दे देंगे, ठीक है ना? तो लास्ट में 5 है तो 3 से कटाओ, कटेगा ही, 3 1 कम 3 2 9 6, 3 2 9 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा? 5 से, 5 2 9 10, 5 6 24, 5 5 25, 5 6 24, 5 9 45, 7 7 49। इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, इसी का नहीं ना बन रहा है, तरह किसका भाग देने? अरे इसको हटा दो यहाँ से, 3 से, या लिख देना कि 3 से भाग देने पर, देने पर 36 75 पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है ना? तेरा 36 75 में किसका भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तो सबसे पहले आप 36 75 का जो है वो करेंगे ना, गुणनखंड करिए। तो 5 का जोड़ा बन गया, 7 का बन गया, इसका नहीं ना बना,
करा किसका भाग दें, तीन का भाग दे दें, तीन खत्म हो जाएगा तो पूर्ण वर्ग हो नहीं जाएगा। अगर यही पूछता कि 36 75 में किसका गुणा करें तो क्या करते, तीन का गुणा कर देते, इसका जोड़ा नहीं है एक तो बढ़ा लेते। ठीक है, अब प्रश्न संख्या है 8 है कि वह छोटी से छोटी, नहीं अठवां नहीं है, 9 अंक है, 9 प्रश्न संख्या 9 है, 4 अंकों की छोटी छोटी पूर्णवर्ग संख्या बता दो, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्णवर्ग संख्या। तो सबसे पहले तो आप लिखिए कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 होती है, लेकिन हमसे पूछा है कि पूर्ण वर्ग बता दो। जैसे 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 10 होगी ना, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ही ना होगी। कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, 2 अंकों की छोटी से छोटी यही ना है, तो हमसे पूछा है पूर्ण वर्ग, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 पूर्णवर्ग हो जाएगी ना। तो उसी तरह जो भी जब 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या आएगी वो 1000 से क्या होगी, बड़ी होगी, 1000 से बड़ी होगी। हाँ तो देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या सबसे पहले आप लिख लें कि 4 अंकों की, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 हो गई, लेकिन हमसे पूर्ण वर्ग पूछा है ना, तो आप वर्गमूल निकालो। धन्य से जोड़ा बना दो, 10 ऐसी संख्या बताओ कि वर्ग करने पर 10 आए, 3 तिली के 9 होगा ना, 3 में जोड़ दो, यहाँ 6 हो गया, ये क्या कर देंगे, 1 आएगा ना, तो यहाँ आप उतार दो 10, एक बार ले जाएंगे तो 61 होगा, 2 बार ले जाएंगे तो 6 × 12 120 हो जाएगा, एक बार ले जाओ, 1 का गुणा कर दो, 1 जोड़ दो यहाँ, कितना आ जाएगा, 39 आएगा, आएगा ना। अब आप क्या करना, देखो यहाँ पर हम हाँ देखो जब हम एक बार ले जाते हैं तो शेष बच गई यहाँ, अब इसमें भाग जाएगी नहीं, ठीक। तो जो भी जो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1000 है, हमसे पूछा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो इससे बड़ी ना होगी, तो जो हम एक बार ले गए हैं, एक बार न ले जाएंगे कितनी बार ले जाएंगे, यहाँ समझते हैं, यहाँ पर आप ले जाएंगे 2 बार, कई बार ले जाएंगे, 2 बार, तो 2 बार ले जाएंगे तो 2 × 4, 2 × 6 = 12, तो ये कितना बच गया, माइनस 24 हो गया ना। अगर 24 यहाँ रहता, 24 यहाँ रहता तो पूर्ण वर्ग हो नहीं जाता कि नहीं रहता, तो 24 कम है, तो आप लिखोगे यहाँ 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 1000 में आप यहीं 24 जोड़ देना, 1024 होगा, जो किसका वर्ग होगा, 32 का होगा, देख लो 32 का 32 में गुणा करके भी देख लो, ठीक है ना। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1000 है, हमसे पूछा है 4 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी 1000 से बड़ी होगी, यानी हम 31 बार ले जाते हैं तो इसमें शेष बचता है, ठीक है ना, तो फिर दशमलव भाग जाएगी, कोई अर्थ नहीं निकलेगा।
तो हमको पूर्ण वर्ग पूछा है, तो अगर हम 31 बार न ले जाके अगर हम 32 बार लेके गए तो 24 हमको और चाहिए, यानी 24 इसमें जोड़ दो तो पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगी, 1024। ठीक है ना, ऐसे करिए। अब है 10, 10 नंबर है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले आप लिखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999। लेकिन हमसे क्या पूछा है, पूर्ण वर्ग पूछा है, क्या पूछा है, 4 अंकों की हमसे पूछा है कि बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 4 अंकों की, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, तो जो पूर्ण वर्ग होगी इससे छोटी होगी, तो इसका वर्गमूल निकालिए, 9999 का वर्गमूल निकाल दीजिए और जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे। ठीक ना, तो दाहिने तरफ से जोड़ा हो गया, किसका वर्ग निन्यानवे होगा या उससे कम होगा, देखो हाँ, 9 × 9 81, 9 जोड़ दीजिए यहाँ, ठीक ना, तो घटा दो यहाँ, 9 में से 8, 1, यहाँ 18 हो गया कि नहीं होगा, तो अब इसको उतारेंगे साथ में, इसको 180 समझो, क्या समझो, 180 समझो आप, तो 180 में किसका गुणा कर देंगे, 1899 हो जाए, आठ बार में देखा जाए, 64 × 6 = 70, 8 × 1 = 7 = 15, 8 बार में नहीं होगा, 9 देखिए, 9×81 और 9×8 = 72, 72×8 = 80 और 9×1 = 9, 9×8 = 17, हो जाएगा कि नहीं, तो कितना बचा है घटाइए यहाँ, 9 में से 8, 9, 198 है कि नहीं, तो यही ज़्यादा हो रहा है, 198 कितना ज़्यादा हो रहा है, 198 है कि नहीं, होगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9999 × 198 घटा दीजिए यहाँ से, घटा दो, 9 में से 8 गया 1 0 8 9, 9801 होगा आंसर। कौन एक्सरसाइज है, दक्षता का दसवां है ना, 9801 है, पुनः देख लें कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 है, हमसे पूछा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो सबसे पहले आप इसका वर्गमूल निकाल दो, जोड़ा बना लें, 9×81 हो गया, 9 जोड़ दें 18 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 99 उतार देंगे, ठीक है ना, तो 9 बार ले जाएंगे, 1701 आएगा, 198 ज़्यादा हो रहा है ना, इसी को घटा दो, 4 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी,
9999 में से 198 घटा दीजिए, ये आंसर है। ठीक है ना, शेष अगले वीडियो में।